इसमें से खड़े हर व्यक्ति का बेटा था, हर व्यक्ति का भाई था। ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ, न जाने कह रहे हैं कि वो कातिल था, वो आके मार के चला गया। कातिल था तो इनको जानकारी थी तो सतर्क रहना चाहिए था। कोई मन में नहीं बैठा है बाबा जी, किसी के आपके मन में कोई बैठा है क्या? क्यों नहीं बैठा है हमारे मन? मैं आया हूँ इसकी हिफाजत के लिए। क्यों हर आदमी को जानता है? आज तक तो नहीं दिखे आप, तो क्यों दिखेंगे जब जरूरत पड़ती है? नहीं, ये जवाब नहीं है। अरे हत्या हुई है गाँव में, इतनी हुई जवाब नहीं की आप जो ये कहिए की नहीं प्रधान जी क्यों जानकारी नहीं था। नहीं, हम लोग समझा बुझा सकते हैं। किसको समझाए? कोई भी हो गांव का, किसको समझाए? कोई भी गांव का। निशंस हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार आप नहीं बनते हैं। अब हम लोग को जिंदा कौन करेगा? कोई जिंदा कर सकता हो तो बताए। ये मीडिया और ये अफसर क्लास वाला सर, ये ले जाके कलेक्टर के यहाँ क्यों नहीं दिखाते? ये मेडल आसान है क्या 16 साल की अवस्था में कोई जीतना? ये मेडल आसान है क्या? उसका परिवार कैसे जिएगा? ऑनरेबल सीएम जो संजोग से जोगी है, क्या जोगी नहीं है क्या? क्या जोगी का यही धर्म है? इतना मेडल बटोरा हुआ है, गांव का लड़का, गरीब घर का लड़का, ये तरह किसने मार दिया? किस जालिम जल्लाद ने? और मार दिया तो जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप रिपोर्ट भेजिए शीघ्रता से, उसके कम से कम ऐलान करें लखनऊ से ही, ऑनरेबल सीएम ऐलान करें कि एक की नौकरी देंगे। क्यों नहीं देंगे नौकरी जिसको राजनीति करना है? अखिलेश सिंह यादव इस गांव में क्यों नहीं आए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के कस्टोडियन है, आज वो पिता की भूमिका में है, चाहे वो किसी जाति और किसी मजहब का हो। हमसे इससे मतलब नहीं है कि एक बेटे की क्यों नहीं नौकरी बेटी को देते हैं, वो भी बेटी का मामला है। बेटा होता तो मैं भीख न मांगता, आज दे दें, नहीं तो लखनऊ विधानसभा के सामने चलकर बता दूंगा हुकूमत को कि ये कौन, कैसे मनुष्यता चलती है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? इस परिवार का भरण पोषण अब कौन कराएगा? इन बेटियों की देखभाल कौन करेगा? किसकी लापरवाही से हत्या हुई है? एक लड़का मार दिया गया, इतने लोग, सब लोग थाने से लेके यहाँ तक थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सोया हुआ था, कहाँ था, किस गड्ढे में था, और यहाँ प्रधान का कहाँ थे, किस 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 गली में थे कि मर गया लड़का, मार दिया गया? हम लोग आए, क्यों नहीं जान रहे? आने मरने के बाद क्या कातिल ही था तो क्या किया जाए? कौन कातिल? वही कौन कातिल? रमेश लालता, ये कातिल था? नहीं, रमेश लालता जो हत्यारा, आप प्रधान है, आपको जानकारी नहीं थी इतने दिनों से विवाद था? हमें जानकारी थी, हम लोग आए थे, उसको समझाए थे। आज की 6 महीने 7 महीने पहले जमीन का विवाद था, खत्म हो गया था, उसके बाद भी वो ऐसा किया, उसके मन में कालापन बैठा था। कोई जान रहा है क्या मन में बैठा है? कौन रो रही थी? कह रही थी थाने पर लोग, कह रहे थे कि जमीन जो फूल मांगती है, कौन कौन है बेटी, तुम हो? कौन कहता था थाने पर जमीन फूल मांगती है, कौन कहता? उनसे एसओ साहब कहाँ है? जो भी द्विवेदी हो, क्यों ये शब्द कहते थे? ये शब्द कहने की क्या जरूरत है? इस शब्द में कोई संवैधानिकता है क्या? ये शब्द कहना चाहिए क्या एक इंस्पेक्टर की हैसियत से? उनको कैसे ये कह रहे थे? एक गार्ड भी भेज दिए, होम गार्ड भी भेज दिए होते तो क्या उसकी हत्या होती? क्या अनुराग मारा गया होता? इसमें से खड़े हर व्यक्ति का बेटा था, हर व्यक्ति का भाई था। ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ, न जाने कह रहे हैं कि वो कातिल था, वो आके मार के चला गया। कातिल था तो इनको जानकारी थी तो सतर्क रहना चाहिए था। कोई मन में नहीं बैठा है बाबा जी, किसी के आपके मन में कोई बैठा है क्या? क्यों नहीं बैठा है हमारे मन? मैं आया हूँ इसकी हिफाजत के लिए। क्यों हर आदमी को जानता है? आज तक तो नहीं दिखे आप, तो क्यों दिखेंगे जब जरूरत पड़ती है? नहीं, ये जवाब नहीं है। अरे हत्या हुई है गाँव में, इतनी निशंस हत्या हुई। जवाब नहीं की आप जो ये कहिए की नहीं प्रधान जी क्यों जानकारी नहीं था? नहीं, हम लोग समझा बुझा सकते हैं। किसको समझाए? कोई भी हो गांव का, किसको समझाए? कोई भी गांव का। निशंस हत्या हुई है, इसके जिम्मेदार आप नहीं बनते हैं? उसमें हम थाना क्यों बनेंगे? देखिए हम क्यों बनेंगे? देखिए कोई नहीं बनेगा उसमें। सुनिए, ये बनेगा, हमारी बात सुनिए पहले। उसमें लालता के हैं, लालता बनेंगे, उनके लड़के हैं, रमेश बनेंगे। देखिए ये जमीन का घातिक हत्या है, पूरा मामला खत्म हो गया था। इस जमीन का घातिक हमला है और अकेले उसका नहीं है। नहीं, ये बड़ी मामला खत्म हो गया था। जमीन का मामला जो बाउंड्री हो गई, चल के देख लीजिए, बाउंड्री हो गई थी। जब उसके मन में बैठा था नहीं हमें हत्या करनी है, तो कोई जान थोड़ी रहा है। अभी साल भर हुआ है, वो जो है रिटायर होके आया है यहाँ पे। कौन रिटायर हो? वही लालता साहब को आके इसको सम्मान करना चाहिए। इतने मेडल इतनी कम उम्र में रखा है, इस मेडल के लिए न जाने क्या क्या होना पड़ता है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, तो भी नहीं नसीब होती है। और इसके मेडल इसके बगल में पड़े हुए हैं, इस जो है पार्थिव इस जो आज इस दुनिया में नहीं है, ये किस तरह का काम चल रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, किससे पूछूं मैं?
शर्म नहीं लग रही है? वर्दी शर्मसार हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हत्यारा कत्ल कर दे रहा है तलवार से उठा के? इतनी भी जानकारी पहले से नहीं थी जब वो पीड़िता पहुंच रहे थे सब थाने पर, और बार बार इस तरह का कैजुअल जवाब क्यों दिया जा रहा था? किससे पूछूं? मुख्यमंत्री कहां सोए हुए हैं? मुख्यमंत्री आज की क्यों नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो चाहे जिस कम्युनिटी और जिस मजहब का हो, इससे हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कहां है? इसका परिवार कैसे, इसकी बहने कैसे रहेंगी, इसके माता पिता का परवरिश कौन करेगा, ये तो बताना मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री से मैंने ये मांग की है कि एक बहन को सरकारी नौकरी दें, उनके माता पिता को जो भी राज सम्यक समझते हो जो उचित हो उनके परवरिश के लिए दें, और जो थाना और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यदि ये सतर्क रहते तो क्या इसकी हत्या होती? ये तो प्रधान जी बड़े आराम से कह रहे हैं कि वो बदमाश था, हत्या कर दिया, ये जिम्मेदारी से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गांव के नहीं, आपसे हम जवाब नहीं मांगने आए, हमको अपनी बात कहने दीजिए। आपसे मैं नहीं पूछता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ आके मैं किसी को पार्टी बनाऊं। मैं जब सत्याग्रह करता हूँ तो वहाँ समझ में आ जाता है सत्य के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। ये मारा गया है तो इसके लिए सब अगल बगल के लोग जिम्मेदार हैं, अकेले थाना जिम्मेदार नहीं है। थाने की दृष्टि इतनी बड़ी नहीं है कि वहीं से देखेगा। हाँ, उनका जवाब कैजुअल था थाना अध्यक्ष का, उनको नहीं कहना चाहिए था कि जमीन खून मांगती है। यदि इतनी विवादित चीज थी और इतना भयंकर मामला था तो थाना अध्यक्ष को सतर्क रहना चाहिए। एक होमगार्ड भी, एक लाठी मैन को भी भेज दिए होते तो हत्या ना होती, ये हत्या ना होती। अब उसको जिंदा कौन करेगा? कोई है कोई बता दे कि हम जिंदा करेंगे? और नहीं करेगा तो अब उसके लिए एक ही रेमेडी है कि मुख्यमंत्री आए। मुख्यमंत्री लखनऊ से ही सही, क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं संवाद करेंगे? 25 करोड़ लोग जब उनकी संतान है तो ये करेंगे क्यों नहीं? मैं सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया है। मैं आज यहाँ आया हूँ, 4 बजे कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन करूंगा और पूरे प्रशासन को ज्ञापन देके लखनऊ की कान को बताना चाहता हूँ कि सुन ले लखनऊ में बैठे हुए सत्ता के लोग और ऑनरेबल CM सुन ले कि जल्दी से जल्दी, आज ही मैं वारा नारा करने आया था लेकिन 3 दिन का और इनको मौका दे रहा हूँ कि कम से कम इस परिवार को आप एक बेटी को नौकरी दें, इनके माता पिता को जो भी आपकी वित्तीय राशि सहयोग की होती है, जो भी 1 करोड़ 25 लाख जो भी होते हैं, ताकि उनका बुढ़ापा कट सके। कैसे कटेगा उसका बुढ़ापा? हत्या किसके वजह से हुई है? हत्या इनके प्रशासन, इनके हत्या इनकी तहसील की नाकामी, हत्या इनके इनके इंस्पेक्टर और दरोगा और पूरे पूरे अंडे बच्चे का, एक भी सिपाही, एक भी इंस्पेक्टर, एक भी आदमी काबिल नहीं था कि उस होनहार को बचा सके। ये कौन जवाब देगा? किससे मैं पूछूं कि कम से कम उसकी अनुराग की एक बहन को सरकारी नौकरी दे दे सर, एक बहन को सरकारी नौकरी दे दे। न जाने से बांटा जाता है, बहराइच केस में नौकरी दी गई, पैसा दिया गया, लखनऊ में कस्टडी में, हत्या में पैसा, और इसके लिए ये मेरा बटवारने वाला है, ये होनहार लड़का था, इसको क्यों देर क्यों हो रही है? एक लड़के को नौकरी दे CM साहब। मैं आज उनको ज्ञापन, आज 4 बजे में ज्ञापन आपको ऑनरेबल मुख्यमंत्री का ज्ञापन थ्रू आपके थ्रू जाना है, मजिस्ट्रेट डी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के तरफ से पवन जी आए हुए हैं, कस्टोडियन जो आज ज्ञापन लेंगे, कराकत के CEO साहब आए हुए हैं। क्यों नहीं मनुष्यता की बात होती है? क्यों नहीं आप शासन में मनुष्यता की बात करते हैं? आप बीइंग अफसर जो है ये बात क्यों नहीं करते? ये बात आज करिए, आज शाम को ज्ञापन के बाद नहीं, आज CM साहब करेंगे। कलेक्टर साहब का दिनेश जी का फोन दिया था, डॉक्टर साहब का। देखिए आज मनुष्यता की बात होनी चाहिए, आज हम ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन पर आप काल चाहे आपको उनको कहिए डॉक्टर साहब को कि कलेक्टर बात करें कि ये बेटे की क्यों नहीं नौकरी बेटी को देते हैं, वो भी बेटी का मामला है। बेटा होता तो मैं भीख न मांगता, आज दे दें, नहीं तो लखनऊ विधानसभा के सामने चलकर बता दूंगा हुकूमत को कि ये कौन कैसे मनुष्यता चलती है। मनुष्यता नहीं मर सकती है, मनुष्यता मारी गई है जिसको राजनीति करना है। अखिलेश सिंह यादव इस गांव में क्यों नहीं आए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के कस्टोडियन है, आज वो पिता की भूमिका में है, चाहे वो किसी जाति और किसी मजहब का हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। आज उसको नौकरी दे, उनके माता पिता को रेवेन्यू की गारंटी दे, कुछ दे ताकि उसके पिता और माता कैसे जीवित रहेंगे। आज ये समस्या सामने खड़ी है, मुझे बहुत कष्ट है SDM साहब और CEO साहब, इस कष्ट की मेरी पराकाष्ठा मत पूछिए। मेरे दिल में इतना कष्ट है जितना आज मैं देखा हूँ, इसका मेडल तो मुझे 16-17 साल की अवस्था में इतना मेडल बटोरा हुआ है। गांव का लड़का, गरीब घर का लड़का, इस तरह किसने मार दिया, किस जालिम जल्लाद ने, और मार दिया अब तो जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन आप रिपोर्ट भेजिए शीघ्रता से, उसके कम से कम ऐलान करें लखनऊ से ही, ऑनरेबल CM ऐलान करें कि एक की नौकरी देंगे। क्यों नहीं देंगे नौकरी? नौकरी उनको घर से देना है क्या?
और वो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के अभिभावक हैं। मैं आज लेके 4 बजे आज आपको ज्ञापन दूंगा और रास्ता पकड़ूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद न जाने मैं कहां आंदोलन किस तरह से करूंगा, उनके दरवाजे पर करूं या जहां भी करूं, या कलेक्टर आजमगढ़ आज जौनपुर के दरवाजे पर करूं, लेकिन मुझे करना ही है, मुझे वेलफेयर चाहिए। इस तरह का मनुष्यता अमनुष्यता का काम हो गया। और उसके बाद से 10 दिन हो गया, ऑनरेबल सीएम जो संयोग से जोगी है, क्या जोगी नहीं है? क्या जोगी का यही धर्म है? ये मीडिया और ये अफसर क्लास वन अफसर, ये ले जाके कलेक्टर के यहाँ क्यों नहीं दिखाते? ये मेडल आसान है क्या 16 साल की अवस्था में कोई जीतना? ये मेडल आसान है क्या? उसका परिवार कैसे जिएगा? उसके माता पिता कैसे रहेंगे? उसकी बहनें कैसे जीवित रहेंगी? किससे पूछूं? आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी कहता हूँ, मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? इस परिवार का भरण पोषण अब कौन कराएगा? इन बेटियों की देखभाल कौन करेगा? किसकी लापरवाही से हत्या हुई है? कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो मर गया, ये देखते देखते 16-17 साल का